हाय गाइस, मैं हूं नंदनी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी कुछ होम एंड किचन एसेंशियल आइटम्स जो कि परचेज करना वर्दी है कि नहीं, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर करूंगी। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो इट्स टोटली बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये 6 बॉक्सेस का सेट, जो कि आप जार कह सकते हैं इसको, प्लास्टिक के जार हैं ये, पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक है, BPA फ्री प्लास्टिक है इसकी, और इसमें आप कोई भी ड्राई आइटम आराम से रख सकते हैं बिना सोचे। बहुत ही अच्छा है, 1 साल पहले मैंने ये परचेस किया था और आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, अभी तक बिल्कुल न्यू जैसा। इसको बस अच्छे से आपको वॉश कर लेना है। लुक एट दिस लिड क्वालिटी, ये आपको ना 8 डब्बा मिल रहा है, तो इसका जो लिड है ये भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, तो आराम से आप कोई भी ड्राई आइटम इसमें रख सकते हैं, बहुत ही सूटेबल है। तो आई वुड फुल्ली रिकमेंड दिस, तो मैं ये जार सेट आपको फुल्ली रिकमेंड करती हूँ। इसके बाद ये अभी जैसे कि गर्मियाँ आ रही हैं तो हमें फ्रिज में रखने के लिए बॉटल्स चाहिए, तो इसके लिए मैंने ये 6 पीसेस का जो बॉटल का सेट है ये भी, मेरे को आई थिंक 6 महीने हो गए इसको यूज़ करते हुए, बट आप इसकी क्वालिटी भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, BPA फ्री प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक है ना काफ़ी स्टर्डी है, आप ये देख सकते हैं काफ़ी स्टर्डी है, बिल्कुल भी एकदम से मेरे के दबाने पर भी ये दब नहीं रहा है। और इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि इसका इसमें जो है आपको मल्टी कलर में बॉटल्स मिल जाती हैं, तो बॉटल्स का कलर भी बहुत ही अच्छा ट्रेंडी सा है, डिज़ाइन भी ट्रेंडी सा है, और उसके बाद इसकी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट बात करते हैं ये नाइफ सेट, ये मेरे को परचेस किए हुए 4 साल हो गए, बट ये एज इट इज़ रखा हुआ है, मैंने इसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, तो मेरे लिए ये बिल्कुल भी वर्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो ना ये बहुत ही मोटे हैं चाकू, और इनकी जो ग्रिप आप देख सकते हैं काफ़ी थिक है, मोटी है, तो ये जो है ना मेरे को कंफर्टेबल नहीं लगता इससे काटने में। एक तो बहुत बड़ा चाकू है, चलो ये बाकी के जो छोटे वाले हैं ना इसको भी मैं अगर देखूं तो इसका जो ग्रिप है वो मेरे हाथों में बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आ पाता है, और ना बिल्कुल भी कंफर्टेबल मुझे नहीं लगता। इससे अच्छा मैं ना ये यूज़ करती हूँ, ये भी मेरे को 4 साल हो गए लिए हुए, ये वाले जो चाकू हैं नोवा के होते हैं, 3 सेट आता है 3 पीस का, इसमें एक पीलर भी होता है, 2 चाकू होते हैं, तो ये मेरा यूज़ हो रहा है और अभी तक एज इट इज़ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये ब्यूटीफुल सा कप सेट, जो कि 12 पीसेस का सेट है, मतलब इसमें आपको 12 हुक मिलेंगे, आप 12 अपने कप्स जो है वो इसमें लगा सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, इसकी क्वालिटी वेरी नाइस। नेक्स्ट इज दिस ग्लास। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये 6 पीसेस का सेट है, ये है कांच का, मतलब ग्लास जार है ये, बहुत अच्छा बहुत स्टडी, एंड इसमें से एक मेरे से गलती से टूट गया, ये 6 पीसेस का सेट था, एक गलती से मेरे हाथ से गिर गया तो वो टूट गया, तो ये 5 पीसेस मेरे पास बचे हैं, बहुत अच्छे हैं गाइज, 400 ml के हैं। इसमें ना आप ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, चटनी बना के फ्रिज में रखने के लिए हमें ना ग्लास जार की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने देखिए यूज़ भी की हुई है, ग्रीन चटनी बनाई हुई है, ये मैंने फ्रिज में से निकाली है बॉटल, एंड काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें रखने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो थम्स अप फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट है ये स्टील का 5 पीसेस का सेट, विच इज़ फ्रॉम मीशो, वेरी वेरी गुड, इसको 2 साल हो गए मुझे परचेज किए हुए, एंड आप क्वालिटी देख सकते हैं बहुत अच्छी है, इसके स्टील की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, थोड़ा ना पतला था जब इसका स्टील था तो मुझे लग रहा था पता नहीं ये जल्दी टूट ना जाए, बट कुछ नहीं हुआ, 2 साल हो गए मुझे इसे यूज़ करते हुए। आराम से कोई भी ना आपके फ्रिज में स्टोरेज के लिए मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, जैसे कोई सामान बच गया, खाना बच गया, तो उसे फ्रिज में रखने के लिए आप इसमें रख दो, ढक्कन लगा दो, ढक्कन भी काफ़ी अच्छा है, प्लास्टिक का है बट प्लास्टिक जो है ये काफ़ी अच्छा है, सो आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट। नेक्स्ट है ये चॉपर। अच्छा, ये यूज़फुल है उनके लिए जिनको ना स्टार्टिंग में अभी कुकिंग शुरू कर रहे हैं या उतनी अच्छी चॉपिंग अभी नहीं आती है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आपको एक बार अच्छी तरीके से कुकिंग आ गई और चॉपिंग आ गई ना, तो अब तो मेरी स्पीड इतनी हो गई है कि मैं ना खुद मतलब चाकू से ही अच्छे से जल्दी जल्दी चॉप कर लेती हूँ, जितनी जल्दी मैं मतलब जितनी देर में मैं इसमें सब्जियाँ डाल के इसको चॉप करूँगी उतनी देर में तो मैं अपना जो चॉपर बोर्ड है उससे और नाइफ से कर लेती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट है ये मिल्टन का, ये है आपका मिल्टन का जो तांबे की बॉटल होती है ना वो है, इसमें पानी पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो ये भी आप मेरी तरफ से मैं इसको रेकमेंड करती हूँ, आप इसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये 3 पीसेस का स्टोरेज बॉक्स, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसमें आप देख सकते हैं आपको ना अलग अलग कलर्स के 3 स्टोरेज बॉक्सेस मिल रहे हैं, जिसको आप मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए अपना यूजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप ज्वेलरीज रख सकते हैं, किचन का कोई आइटम रख सकते हैं, घर की चीज़ें रख सकते हैं, कपड़े ऑर्गेनाइज करने के लिए, जैसे जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, जैसे रुमाल आपका हो गया, सॉक्सेस हो गए, और इस तरीके के जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं उनको आप ऑर्गेनाइज करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और बाकी घर में किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए
आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे। इसमें से अभी फ़िलहाल जो है दो बॉक्सेस में मैंने ना अभी थोड़ा सा ज्वेलरी जो है अपना वो रख दिया है ऐसे ही थोड़ा सेग्रीगेट करके। और वैसे इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ है तो आप किसी भी तरीके से ना इसको इन जो बॉक्सेस हैं इनको यूज़ कर सकते हैं। ओके अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये पिजन का है इडली मेकर। ये मेरे को मंगाए हुए हो गया 4-5 साल हो गए। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी निकली, आप देख सकते हैं एज इट इज़ है। मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट आपको मैं यहाँ दिखा रही हूँ 4-5 साल हो गए हैं मेरे को इन्हें परचेज़ किए हुए और इनको यूज़ करते हुए। आप ये देख सकते हैं इसमें आपको 6 का सेट मिल रहा है जिसमें एक जो ट्रे है उसमें आपकी 4 इडलीज़ बन जाएंगी। तो आराम से आप अपनी पूरी फैमिली के लिए इसमें इडलियाँ बना सकते हैं और बार बार आपको बैटर डाल के करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में ही आपकी काफ़ी सारी इडली बन जाती हैं। इडली नहीं बल्कि आप इसको स्टीम करने के लिए कुछ भी स्टीम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, वर्दी है और पैसा वसूल प्रोडक्ट है, तो आप इसको भी परचेज़ कर सकते हैं। ये भी मेरी 4 साल पहले की परचेज़ है सो और अभी तक बहुत ही अच्छी चल रही है, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू यू। ओके अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जो कि है ये स्टोरेज ऑर्गेनाइज़र आप कह सकते हैं। मीशो से मैंने ये ऑर्डर किया था क्योंकि मेरा जो किचन है वो स्मॉल है, तो मैंने अपने किचन की कुछ चीज़ें इसमें रखने के लिए इसको ऑर्डर किया था और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मेरी आ जाती हैं। इसमें इस तरीके से ना आपको 5 ड्रॉर्स मिल जाते हैं अलग अलग मल्टी कलर में, तो ना देखने में भी अच्छा लगता है और काफ़ी सारा इसमें स्टोरेज भी आ जाता है आपका। अच्छा नेक्स्ट मैंने ना ये प्लांटर इसको आप बुक रैक कुछ भी बोल सकते हैं, मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। इसकी जो क्वालिटी है वो मैं कहूँगी कि ना इसकी जो वुडन क्वालिटी है वो सो निकली, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं बट अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस रेंज ना मुझे इसकी क्वालिटी सो लगी। सो अगर आपको इसी तरीके की और वीडियोज़ मेरे चैनल पर देखनी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।